तो आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले बोल्ट रॉकर 235 B2 वर्सेस मीवी का कॉलर 2B। तो यहाँ पर क्या कंपटीशन होने वाले, कौन विजेता होने वाला है, किसकी प्राइसिंग सफिशिएंट है, सभी यहाँ पर डिटेल्स आपको मिलने वाले। वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई डिटेल्स मिस ना हो। लेट्स गो। तो ये है वो दो हेडफोन्स यहाँ पर आपको रेड कलर में देखने को मिलता है, बोट रॉकर 235 B2 एंड ये हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। एंड यहाँ पर है मीवी का कॉलर 2B ऑरेंज कलर में, जो कि हमने अमेजोन से ऑर्डर किया है। एंड 2B एंड 2A आर बोथ सेम, आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन दोनों की प्राइस अभी फिलहाल तो सेम कर दी है। तो सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, तो चलो यहाँ पर बोट रॉकर 235 V2 की बात करते हैं। तो यहाँ पर बोट में आपको देखने को मिलता है पूरा रबराइज फिनिशिंग स्टार्टिंग टू एंड तक, पूरा यहाँ पर रबराइज फिनिशिंग, फ्लेक्सिबल नेक बैंड, यहाँ पर नेक बैंड फ्लेक्सिबल होते हैं। एंड आपको यहाँ पर स्ट्रिप जरूर से देखने मिलते हैं, जहाँ से आप ईयरफोन्स की एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। एंड यहाँ पर बोट का जो ब्रांडिंग था वो यहाँ पर मिट चुका है, अभी बोट का नामोनेशन यहाँ पर चला गया है। एंड आपको यहाँ पर फंक्शंस बटन देखने मिलते हैं, बैटरी माइक एंड सब कुछ, चार्जिंग का पोर्ट्स वगैरह देखने मिलता है। बटन्स की बात करें तो काफी सॉफ्ट है, ठीक है, एज कम्पेयर टू मीवी का कॉलर 2B। तो बटन्स काफी सॉफ्ट है एंड क्विक रिस्पॉन्सिव है। एंड बोट में आपको सेपरेट वॉल्यूम का एडजस्टमेंट देखने को मिलता है, जहां पर आप इसका खुद का वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो एंड मोबाइल का भी वॉल्यूम आप एडजस्ट कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको ज्यादा साउंड आउटपुट देखने को मिलता है। जी हाँ, इसका आउटपुट मीवी से कंपेयर करें तो ज्यादा है। और यहाँ पर मल्टीफंक्शन बटन्स की बात करें तो आप बहुत सारे मल्टीफंक्शन आप यहाँ पर कर सकते हो। इवन गूगल असिस्टेंट भी एक्सेसिबल है बाय प्रेसिंग पावर बटन, जो मल्टीफंक्शन बटन है उसको सिर्फ 1.5 सेकंड तक होल्ड करना है, वाइब्रेट होगा आपका बोट रॉकर 235 V2 एंड जस्ट आपके सामने गूगल असिस्टेंट या फिर सिरी हाजिर हो जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर मैंने काफी दिनों बाद मैनुअल पढ़ा, तब जाके मुझे यहाँ पर मिला कि मल्टीफंक्शन बटन से 1.5 सेकंड का होल्ड करना है एंड तब जाके आपको गूगल असिस्टेंट का वो एक्सेस देखने को मिलता है एंड कमांड इजिली एक्सेस कर सकता है माइक के थ्रू। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर सब कुछ टेस्टिंग किया, आप देख सकते हैं। एंड वॉल्यूम बटन से आप कोई भी म्यूजिक का ट्रैक प्रीवियस या फिर नेक्स्ट कर सकते हो बाय होल्डिंग देम। तो यहाँ पर सिंपली होल्ड करना है आपको, तब भी जाकर ये मल्टीफंक्शन बटन्स काम करते हैं। एंड कोई कॉल रिसीव वगैरह करना है तो बोट रॉकर में आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीफंक्शन बटन को सिर्फ एक बार क्लिक करना है, सिंगल क्लिक पे कॉल रिसीव एंड हो जाता है। एंड डबल क्लिक करोगे तो आपका जो कॉल है वो कट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन कोई इसका अलग है। तो सिंपली यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी इसका खत्म हो जाता है। तो चलिए अभी यहाँ पर मीवी का कॉलर 2B की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर सभी यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड है, ठीक है, ये रबराइज नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा रबराइज की मैट फिनिशिंग देखने मिलती है, यहाँ पर भी प्लास्टिक यूज्ड है जो कि हैवी मटेरियल प्लास्टिक का। एंड आपको यहाँ पर कोई रबर स्ट्रिप्स देखने को नहीं मिलते, जिसकी मदद से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो राइट साइड पे आपको मीवी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जो कि अभी नया नया इसकी वजह से निकला नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो पावर बटन है, यहाँ पर का थोड़ा सा कलर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कलर जो है वो निकल चुका है। एंड आपको प्लस माइनस जो वॉल्यूम रॉकर्स बटन देखने को मिलते हैं एंड नीचे की तरफ आपको यहाँ पर ऑकवर्ड सा एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। एंड आपको यहाँ पर माइक एंड बैटरी का माउंटिंग वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। मल्टीफंक्शन बटन्स की बात करें तो काफी सारे मल्टीफंक्शन एक्टिविटीज आपको मीवी प्रोवाइड करता है, बहुत सारे है, आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग भी कर देगा, लेकिन सभी बटन्स आपको है वो होल्ड करके ही एक्टिविटी करने, मतलब यहाँ पर अगर आपको कोई गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी असिस्टेंट एक्सेस करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का होल्ड करना है, तो होल्ड करने के बाद आपका वो गूगल असिस्टेंट सामने आएगा एंड आप कोई भी कमांड दे सकते हो। वॉल्यूम को होल्ड करने पे साउंड आगे जाएगा या फिर नेक्स्ट जाएगा या फिर प्रीवियस जाएगा नेगेटिव पे। तो ये है सब इसका मल्टीफंक्शन। कॉल रिसीव का सिमिलर है, बोट की तरह ही है, सिंगल टैप क्लिक रिसीव एंड होल्ड करोगे तो आपका कॉल वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बटन्स की बात करें तो यहाँ पर बटन्स काफी स्ट्रांग है, ठीक है, यहाँ पर एज कम्पेयर टू बोल्ट ये 4 गुना ज्यादा यहाँ पर स्ट्रांग है, आपको यहाँ पर फील आते हैं, बट जैसे जैसे यूज करोगे वैसे वैसे वो लूज होते रहेंगे, वो सॉफ्ट होते रहेंगे, लेकिन आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर नेल के टिप या फिर नाखून से पूरा बटन्स को है वो क्लिक करना पड़ता है, तब जाके वो आपको फील आएगा बटन का, हाँ क्लिक हो रहे, वरना आप ऐसे स्किन से यहाँ पर करने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बटन क्लिक हुआ है या नहीं, इतना स्ट्रांग है। डिसएडवांटेजेस है यहाँ पर स्ट्रांग बटन दिए। एंड यहाँ पर आपको ईयरफोन्स के टिप में आपको देखने को मिलता है मैग्नेट का टिप्स, यहाँ पर दो ओके से यहाँ पर मैग्नेट काम करते हैं। यहाँ पर आपको ईयरबड्स भी देखने को मिलते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, इवन आपको बोट में भी वही फैसिलिटी देखने को मिलती है, स्मॉल मीडियम लार्ज। एंड एक्स्ट्रा के यहाँ पर आपको ईयर लॉक टिप्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जो है वो ईयर पीसेस में आप लॉक कर सकते हो ताकि ये इजिली निकले ना।
एंड दोनों की फिटिंग इजी है यानी कंफर्टनेस दोनों में आपको देखने को मिलता है, बट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मी वी कॉलर 2 भी आपको सफिशियंट रहेगा। एंड यहाँ पर दोनों के भी ईयरफोन्स कान में से जल्दी से निकल लेने वाले, फिटिंग्स काफी बढ़िया दी है दोनों में। एंड आपको बोट में जो यहाँ पर मैग्नेटिक टिप्स देखने को मिलते हैं वो यहाँ ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। यहाँ पर सभी एल्यूमिनियम थोड़ा सा मेटेलिक डिजाइन कर दिया है, वो पूरा प्लास्टिक बिल्ड है। यहाँ पर आपको ईयरफोन्स में मेटेलिक डिजाइन वगैरह देखने को मिलते हैं, बाकी सब प्लास्टिक एंड रबराइज फिनिशिंग देखने को मिलता है। वायर जो है वो काफी क्वालिटी अच्छी है वायर की, दोनों में क्वालिटी वायर की अच्छी आपको देखने को मिलती है। तो चलिए अभी बात करते हैं इसकी साउंड आउटपुट की, तो कौन सा साउंड आउटपुट बेटर फील करता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे साउंड के ट्रैक्स यहाँ पर सुने जो नॉर्मल म्यूजिक्स होते हैं विदाउट बेस वाले या फिर विद बेस वाले या फिर बोलो बेस बूस्टेड के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बोट रॉकर 235V2 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ट्रबल वाला बेस है, मतलब ज्यादातर ट्रबल जो साउंड है, छनछन वाला जो साउंड है उसके साथ वाला बेस है। एंड जो वो बेस क्वालिटी है वो आपको सुनाई तो देती है लेकिन वो ट्रबल का साउंड भी यहाँ पर मिक्स होता है, तो इसकी वजह से ज्यादा लाउड साउंड बन जाता है। एंड आप मैक्सिमम वॉल्यूम पे सुनोगे तो वो तो आपके मतलब पूरे कान के पर्दे को हिला देगा। जी हाँ, बोट रॉकर 235V2 का पूरा ईयरफोन से वॉल्यूम फुल वॉल्यूम पे आपके कान के पर्दे हिला देता है, फुल ऐसा महसूस होता है वाइब्रेशन वगैरह। एंड बात करें मीवी का कॉलर 2B, तो यहाँ पर फुल वॉल्यूम में कुछ यहाँ पर कान के पर्दे वगैरह कुछ हिलता नहीं, सॉफ्ट बेस यहाँ पर, बैलेंस्ड बेस यहाँ मैं बोल सकता हूँ, पावरफुल बेस भी कंपनी ने बोला है लेकिन बैलेंस्ड बेस है, सुनने में भी अच्छा लगता है। एंड बाकी के जो इंस्ट्रूमेंटल जो बैकग्राउंड म्यूजिक है या फिर कोई वोकल्स का लिरिक्स है तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर बैलेंस्ड है एंड अच्छे से साउंड क्वालिटी हमें देती है। बट यहाँ पर जिनको ज्यादा एकदम मतलब जोर शोर से यहाँ पर गाने सुनना है तो यहाँ पर मैं बोट रॉकर को प्रीफर करूंगा उनके लिए, लेकिन अगर बैलेंस्ड या फिर शांत सा एकदम सॉफ्ट वो बेस क्वालिटी चाहिए चाहिए तो फिर वो आप मीवी का जरूर से प्रीफर कर सकते हो। एंड ड्यूरेबिलिटी की बात करता हूँ तो ज्यादा देर तक आप यहाँ पर बोट रॉकर 235V2 को पहन के रख नहीं सकते क्योंकि आपका जो सर है वो दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा। एंड वैसे यहाँ पर मीवी के साथ नहीं होता, मीवी का यहाँ पर बैलेंस्ड है सब कुछ, जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी के चलते आपको ज्यादा ड्यूरेबिलिटी तक लॉन्ग टाइम तक आप पहन सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है आपके कान के जो ईयर ड्रम्स है उसमें भी थोड़ा सा पेन होना स्टार्ट होता है या फिर आप बोलो सर दर्द भी होता है। तो यहाँ पर बोट रॉकर 235V2 में यही एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया मैंने क्योंकि मुझे यहाँ पर सर दर्द देता है ये बोट रॉकर। तो साउंड क्वालिटी में यहाँ पर मैं बोलता हूँ जिसको हैवी साउंड सुनना है, जहां पर लाउड साउंड सुनना है तो बोट उनके लिए, एंड जिनको बैलेंस साउंड सुनना है मतलब बेस क्वालिटी भी है ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि, लेकिन इससे कम है ठीक है, ये बेस क्वालिटी में अच्छा है लेकिन यहाँ पर आपको ट्रबल देखने को मिलता है ज्यादा, यहाँ पर ट्रबल वगैरह सब कुछ बैलेंस्ड है ठीक है। एंड आप वैसे भी इक्विलाइजर से आप खुद एडजस्ट भी कर सकते हो, दोनों में आपको कैपेबिलिटीज देखने को मिलता है, आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन जो बोट का ईयरफोन है यहाँ पर आपको साउंड का जो आउटपुट है वो ज्यादा देखने को मिलता है। एंड मैन्युअली भी आप ईयरफोन्स के वॉल्यूम्स को कंट्रोल कर सकते हो एंड कंट्रोल करना इजी भी होगा क्योंकि आपको यहाँ पर बटन देखने को मिलते हैं सॉफ्ट एज कम्पेयर टू मीवी। तो बात करते हैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फीचर्स की जो बोट रॉकर 235V2 में मिलती है, एंड मैंने यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस बना दिए बोट के कंपेयर में किए, मीवी के भी यहाँ पर दो वीडियोस मैंने बना दिए आपने देखने होंगे, तो आई बटन पे जरूर से जाइए वो देख लीजिएगा इन डिटेल्स में कैसे कैसे यहाँ पर रिव्यूज किए मैंने। एंड यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फीचर्स आता है वो है वाइब्रेशंस का, यहाँ पर वाइब्रेशन मोटर आपको देखने मिलती है जिसके चलते कोई यहाँ पर इनकमिंग कॉल आता है तो यहाँ पर ये वाइब्रेट होता है, एंड वाइब्रेट होते ही आपको नोटिफाई हो जाता है कि पूरा यहाँ पर कि कोई कॉल वगैरह है। वैसे यहाँ पर वॉइस कमांड भी आपको इनबिल्ट देखने को मिलते हैं जहां पर बोलता है इनकमिंग कॉल मैक्सिमम वॉल्यूम, यू हैव नाउ कनेक्टेड टू बोट रॉकर 235V2, तो ऐसे यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिलते हैं। वॉल्यूम मैक्सिमम में आपको मैक्सिमम वॉल्यूम ऐसा 2 सेकंड का पूरा यहाँ पर प्रॉम्प्ट ले लेता है। वैसे यहाँ पर मीवी में देखने को नहीं मिलता पेयर्ड बैटरी लो, बस ये 2 साउंड है इनकमिंग कॉल, यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट है। दूसरा जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम पे एक बीप साउंड सुना देता है जो कि हार्डली 1 सेकंड का होता है, तो वो अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी आप एंटरटेनमेंट करते रहेंगे तो आपको फुल मैक्सिमम वॉल्यूम पे किया रहेगा तो मैक्सिमम वॉल्यूम वो 2 सेकंड का डिले हो जाएगा, फिर आपको प्रीवियस यहाँ पर 2 सेकंड के लिए बैक करना पड़ेगा वो क्या सीन था वो क्या डायलॉग था वो सुनने के लिए। तो बोट रॉकर का ये वॉइस प्रॉम्प्ट है उसको अगर हटा दे तो काफी बेस्ट रहेगा। तो बात करते हैं अभी इनकमिंग कॉलिंग की, तो यहाँ पर कॉलिंग क्वालिटी किसकी ज्यादा है, तो यहाँ पर दोनों में माइक क्वालिटी देखने मिलती है लेकिन मीवी एक एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आता है MEMS, जहां पर आपको ज्यादा
क्रिस्टल क्लियर साउंड सुनाई देता है। यहाँ पर विंड का एक थोड़ा मतलब बोल सकते हो नॉइज कैंसिलेशन की तरह काम करता है, एक्चुअल इन डिटेल नॉइज कैंसिलेशन नहीं, जो हल्का सा हवा जो आता है, जो आप गाड़ी वगैरह चलाते होंगे तब जो हवा टकराती है तो वो आवाज सप्रेस करके आपका जो वोकल साउंड है वही आउटपुट को देता है। तो ये मूवी की तरफ से एक नॉइज कैंसिलेशन देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पर दोनों ईयरफोन्स के साउंड टेस्ट किए, वो सुनिएगा। तो ये जो आप आवाज सुन रहे हैं वो है बोट रॉकर 235 V, क्योंकि माइक से ये कॉलिंग रिकॉर्डिंग टेस्ट है। तो फर्क आप जान गए होंगे, मेरे ऊपर फैन चालू है कंटिन्यूसली एंड क्या नॉइज कैंसिलेशन होता है या नहीं आपको पता चल गया होगा। तो ये जो कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं वो है मीवी का कॉलर 2B एंड आप बता सकते हैं कि कैसे यहाँ पर साउंड रिकॉर्ड क्लियर यहाँ पर सुनाई देता है या नहीं, नॉइज कैंसिलेशन MEMS यहाँ पर काम करता है या नहीं आप जान गए होंगे। तो कैसे लगे यहाँ पर दोनों साइड का, यहाँ पर आपको ईयरफोन्स के साउंड आउटपुट देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर जस्टिफाई कर देता हूँ आपके लिए, एक पोल भी देता हूँ कौन सा बेटर रहा मीवी या फिर बोल्ट का। जरूर से अपना एक यहाँ पर ओपिनियन शेयर कीजिएगा हमारे साथ। तो चलिए अभी बात करते हैं बैटरी ड्यूरेबिलिटी की, दोनों ईयरफोन्स में से कौन ज्यादा देर तक टिकेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा जवाब आपको देता हूँ, मीवी का कॉलर 2B आपको ज्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। इवन आपको 10 मिनट्स में ये 10 आवर्स का प्लेबैक देता है, जो कि 20% चार्ज हो जाता है 10 मिनट में एंड वो 10 आवर्स का प्लेबैक देता है, जो कि 40-50% के साउंड में आप सुन सकते हो। इवन बोट रॉकर 20 मिनट्स लेता है 4 घंटे का प्लेबैक के लिए एंड मीवी जो है वो 10 मिनट्स में आपको 10 आवर्स का प्लेबैक देता है जो कि मीडियम वॉल्यूम में है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है मीवी का कॉलर 2B जो है वो ज्यादा आपको बैटरी बैकअप देता है एंड जो साउंड क्लियरिटी आप बोल सकते हो वो यहाँ पर मीवी प्रोवाइड करता है। बोल्ट में भी आपको साउंड का आउटपुट है वो अच्छा देखने को मिलता है, मैं यहाँ पर बोरा नहीं कहता बल्कि आपको बोल्ट में ज्यादा साउंड का आउटपुट देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मीवी। तो यहाँ पर ज्यादा आउटपुट के लिए आप जरूर से बोल्ट प्रीफर कर सकते हो। लेकिन बैटरी बैकअप के बारे में या फिर नॉइज कैंसिलेशन, तो एक स्टेबल डिवाइस आप बोल सकते हो वायरलेस ईयरफोन्स में, तो मीवी का कॉलर 2B यहाँ पर नोटिफिकेशंस वगैरह नहीं है बट वहां पर भी आपको प्रॉम्प्ट्स वगैरह देखने को मिलता है इनकमिंग कॉल वगैरह का एंड वाइब्रेशंस वगैरह, वो एक डिसएडवांटेज यहाँ पर बोल सकते हो कि मीवी कॉलर 2B में नहीं मिलता। तो एज कम्पेयर टू बैटरी परफॉर्मेंस मीवी कॉलर 2B विंस एंड यहाँ पर बोट का रॉकर 235 एक स्टेप पीछे आप बोल सकते हैं। यहाँ पर 8 आवर्स का आपको प्लेबैक जरूर से देखने मिलता है, 8-9 आवर्स का जैसे जैसे आप यूज करोगे। हार्डली आप 2 डेज यूज कर सकते हो अगर आप नॉर्मल यूज करते हो, सिर्फ म्यूजिक वगैरह सुनते हो 50% आज 50% कल। बोल्ट रॉकर भी आपका 2 दिन ऐसे निकाल देगा कि आपका यूजेज जैसा रहेगा वैसे जैसे आपका वैसे इसकी बैटरी केपेबल होती है एंड जो वॉल्यूम लेवल पे आप सुनते हो उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट है तो इसकी वजह से बैटरी जो है वो थोड़ा सा कम आपको आउटपुट देता है, लेकिन मिनिमम साउंड में आप सुनोगे तो बैटरी बैकअप ज्यादा देखने को मिलता है। सेम कंडीशन यहाँ पर मीवी कॉलर 2B के यहाँ पर भी लगती है, मैक्सिमम वॉल्यूम पे बैटरी बैकअप 10 आवर्स का नहीं देखने को मिलता, थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, लेकिन आपका ये 2 दिन इजिली निकाल सकता है अगर आपने सिर्फ म्यूजिक सुना कॉलिंग किया। तो 10 आवर्स का पूरे यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है इसका एक्चुअल में देखने को मिलता है, फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है एंड इवन बोट रॉकर 235 V2 में भी आपको फास्ट चार्ज देखने को मिलता है। तो दोनों में फास्ट चार्जिंग मिलती है, तो दोनों जो है वो फास्ट चार्ज ऑलमोस्ट एट ए टाइम कर देते हैं, 40 मिनट्स थोड़ा 1 मिनट उधर उधर इधर उधर हो सकता है। बट मीवी का कॉलर 2B एक अच्छा प्रोडक्ट लगता है। यहाँ पर हमने टेस्ट भी किया था वाटर टेस्ट वगैरह, तो यहाँ पर आपको IPX7 का प्रोटेक्शन मिलता है एंड आपको यहाँ पर IPX5 का प्रोटेक्शन मिलता है। तो वाटर स्वेटिंग या फिर स्प्लैश प्रूफ बोलो तो जरूर से यहाँ पर आपको दोनों में प्रोवाइडेड है। तो दोनों में आपको 10 mm डायनेमिक ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, तो साउंड आउटपुट आपको बोट रॉकर 235 V2 देता है। तो बात करते हैं इन दोनों की प्राइसिंग की, यहाँ पर बोट रॉकर 235 V2 की अभी फिलहाल तो प्राइस चालू है 1099, जी हाँ 1099 रुपए की प्राइस है। फ्लिपकार्ट पे आप जरूर से जाके खरीद सकते हैं एंड इवन आप फ्लिपकार्ट पे कॉलर 2A भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पर ब्लैक कलर में सस्ते में देखने को मिलता है एटलीस्ट 1000 रुपीज की कीमत पर, लेकिन अभी फिलहाल वो आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन वो जैसे ही आता है वैसे हम लिंक तो प्रोवाइड कर देंगे। एंड 2B की बात करें तो 1399 अमेजोन पे इसकी प्राइस चालू है, लगभग स्टार्टिंग में के 1-2 दिन के लिए यहाँ पर 1199 की कीमत चालू थी, तो अभी यहाँ पर प्राइसिंग थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन अगर प्राइसिंग के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर ये विन हो जाएगा, अगर आपको 1000 रुपीज की कीमत पर मीवी का कॉलर 2A भी मिलता है तो ग्रैब इट भाई, यहाँ पर बोट से यहाँ पर वो बेटर रहने वाला है मीवी का कॉलर 2A। लेकिन प्राइसिंग के मामले में आपको बोट रॉकर 235 V2 जो है वो फिलहाल तो अभी सस्ते में देखने को मिल रहा है। अगर दोनों की प्राइसिंग सेम रही, मतलब एक टाइम आता है जब दोनों की प्राइस सेम हो जाती है ऑलमोस्ट, तो आप मीवी का कॉलर 2B जरूर से प्रीफर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपके ऊपर सजेशन छोड़ देता हूँ कि ये पूरी वीडियो देख के आपको कौन सा बेटर लगा, फिर से यहाँ पर पोल पे आप
अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा बताइए जरूर से कमेंट में, मैं सारे सवाल के जवाब देता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।